नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। तेज प्रताप यादव जो बहुत दिनों से मौन चल रहे हैं, जब से अपनी पत्नी ऐश्वर्या के खिलाफ उन्होंने तलाकनामा दायर किया है फैमिली कोर्ट में, उसके बाद से वो मौन चल रहे हैं और परिवार से बेरुख चल रहे हैं। खैर, जब 5 राज्यों में भाजपा की हार हो गई है, चुनाव नतीजे आ चुके हैं, तो उसके बाद तेज प्रताप यादव का मौन व्रत जो है वो टूट गया है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है कि जो गैर लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनकी हार हुई है और इसको लेकर के कांग्रेस को बधाई भी दी है। ये कहा है कि अब जितनी गैर लोकतांत्रिक पार्टी हैं वो अब बिहार से उखड़ जाएंगी और कांग्रेस को बधाई भी दी है इस जीत के लिए। कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ा होगा, जिस तरह से भाजपा के खिलाफ वो बहुत बार रण में उतरते आए हैं, शंख बजाते आए हैं, गांधी मैदान से गरजते हुए दिखे हैं आपको, जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे। इसके बाद तेज प्रताप यादव का यह जो बड़ा बयान है वो सियासी हलचल मचा रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ट्विटर के माध्यम से उन पर हमलावर हैं, वहीं अब तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं सुर मिलाने लगे हैं अपने पिता और अपने भाई से और कांग्रेस को बधाई भी दी है, साथ साथ गैर लोकतांत्रिक पार्टी करार दे दिया है भाजपा को। अब इस बड़े बयान के बाद सियासी जो पंडित हैं या कह सके भाजपा के जितने बड़े नेता हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो पलटवार करेंगे ट्विटर के माध्यम से, इस पर हम आपको जोड़ रखेंगे। जुड़े हैं भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।